विधानसभा का सत्र आज भी जारी रहेगा। आज प्रश्नकाल में कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। विधानसभा में पुलिस और जेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। साथ ही सरकारी बस स्टैंड से निजी बसों का संचालन, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना और पेयजल की सप्लाई पर चर्चा होगी। विधानसभा में सीएम राजे का बयान, हमारी सोच को दर्शाता है हमारा बजट, रिफॉर्म ओरिएंटेड है प्रदेश का बजट, विपक्ष को सीएम की सलाह, राजनीतिक मतभेदों से उठे ऊपर। राजनीतिक मुकदमे वापस लेने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रमेश मीणा ने गंभीर वारदातों में वापस लिए गए मुकदमे को लेकर उठाए सवाल, तो कटारिया ने भी किया पलटवार। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस कानून के विरोध में सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल जारी। आज विधानसभा का घेराव करेंगे सर्राफा व्यापारी। सुबह 11 बजे से जौहरी बाजार से विधानसभा तक निकालेंगे रैली। करीब 50,000 सर्राफा व्यापारियों के शामिल होने की संभावना। गुजरात एटीएस ने शार्प शूटर कार्तिक हलदर को दुर्ग से किया गिरफ्तार। आसाराम केस के 3 गवाहों का मर्डर और 4 की हत्या की कोशिश का आरोप। बीकानेर में निजी स्कूल में टला बड़ा हादसा। अज्ञात शख्स ने स्कूल की पानी की टंकी में डाला जहर। स्कूल प्रशासन की नजर पड़ने पर बच्चों को पानी पीने से रोका। लखनऊ में एएसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात, मुलायम भी रहे मौजूद। यूपी में डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट पर चर्चा। टी20 वर्ल्ड कप कर लो मुट्ठी में। नागपुर में आज अहम मुकाबला, न्यूजीलैंड से आमना सामना होगा टीम इंडिया का।